फर्स्ट हमें यहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्क कर लेना है, 1.5 इंच जितना एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए अब हम यहाँ से इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 6.5 इंचेस है, 6.5 इंचेस। उतना ही हमारा आर्म होल आएगा। एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा आर्म होल है। हमारा चेस्ट है 7.5 इंचेस, 7.5 इंचेस चेस्ट है। और हमारा वेस्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमें 7 इंच को मार्क कर लेना है। और हमारा वेस्ट है 7 इंचेस। जितना हमारा चेस्ट है उतना ही हमारा वेस्ट रहेगा, 7.5 इंचेस। अब तीनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से इसको मार्किंग कर लेंगे। हमारी नेक की विड्थ है 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस। और इसकी लंबाई है 3 इंचेस। यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको आर्म होल की गुलाई दे देंगे। इसमें नेक सूट बनाने के लिए सिर्फ एक ही आर्म होल लगेगा, हम इसका फ्रंट आर्म होल शेप लेंगे। अब हम इसकी यहाँ पे हम इसको इस तरह से राउंड शेप में, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हम ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कर लिया है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फ्रंट वाले पार्ट को हम डालते हुए जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था इसको हम फोल्ड कर देंगे। सिर्फ ये फ्रंट वाले पार्ट में रिक्वायर्ड है। हमने इसको इस तरह से हमने 5 इंच की चौड़ाई और लंबाई, जितना हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उतना ही हम उसकी लंबाई लेते हुए ये हमने नेक की स्टिचिंग फोल्ड करने में जो हमें बटन डालते हैं उसी लिए हम इसको ये पट्टी डालते हैं। सेम जो हमारा नेक जितना है फ्रंट वाला उतना ही साइज मेजर करते हुए हमने इसको कट कर लिया है। Oh, 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 oh